हेलो। हाँ हेलो। हाँ भैया, मैं बोल रही हूँ। हाँ मैडम जी, नमस्ते, बताइए। नमस्ते भैया, वो पेमेंट किए थे उसका जो भी बनता है उसको भिजवा देते। हाँ मैडम, अभी दिक्कत जा रहा है मेरा, और पेमेंट वेमेंट बचा है वो निकलवा देना मैडम, उसी के साथ कर दूंगा मैं। पहले का है उसको क्लियर तो क्या मैडम उस समय मैं भेजा था तो अब लिया नहीं आपके मिस्टर जी, है ना। अब वो पैसा मेरे से हो गया पूरा खर्चा। वो तो आप आधा अधूरा भेजे थे, बता रहे थे मैं तो आधा कि अधूरा इसलिए भेजा मैडम, मैं इसलिए भेजा आधा अधूरा कि आधा अधूरा मेरा पेमेंट क्यों करते हो करके मैं उस समय भी बोला, जब मेरा पूरा वो फाइल तो सुनो ना रनिंग मैडम, पेमेंट ही तो। मेरी बात तो सुनो आप, मेरा जब फाइल सब ओके है तो रोक रोक के क्यों पेमेंट कर रहा। मैं बोला जो बचा हुआ कुछ पैसा है हाँ तो आने वाला पेमेंट के साथ भेज दूंगा करके, तो जो भेजा था उसको तो कम से कम उस समय रख लेना था ना, उसको आप वापस भिजवा दिए। 2 लाख रुपए तो दिया था ना मैं उस समय। नहीं भैया, ठीक है 2 लाख था, लेकिन हेलो, दिवाली भी तो था उस टाइम। नहीं ठीक है तब हम अकेले थोड़े। सुनो ना मैडम, दीपावली था करके तो मैं 2 लाख रुपए तत्काल भेज दिया था। मैं बोला चलो बाकी आगे मेरा कुछ पूरा जो बचा हुआ काम काम निकालोगे तो उसके साथ हिसाब बना के भेजूंगा करके, तो इतने दिन तक रोक रोक के पेमेंट को करते मैडम, तो थोड़ा बहुत हमारा भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। आप बताओ, जहाँ तक मेरा रॉयल्टी वायल्टी का पेमेंट का बात है मैडम, रॉयल्टी क्लियरेंस सुनो ना मैडम, मेरी बात तो सुनो आप, अभी चलाया हूँ इसलिए बोलता हूँ। रॉयल्टी क्लियरेंस का लेटर जब आता है ना मैडम, 3 से 4 दिन के अंदर में पेमेंट होता है उसका। आज 8-8 महीने से मेरा लेटर को पकड़ के बैठे हैं, 12 से 13 लाख रुपए उसका मेरे को पेमेंट लेना है। ऐसा थोड़ी होता है मैडम 8-8 महीने से कोई फाइल को पकड़ के बैठे रहेंगे। आज 8-8 महीने का 12-13 लाख रुपए का ब्याज कितना होता है मैडम, आप हिसाब तो लगाओ। हमारा पैसा भी तो रुका रहता है ना, अब उस समय मैं भेज रहा था तो रख लेते, मेरे को भी तो बाजार में पैसा देना रहता है। पहले का आप जो भी है उसको क्लियर कर दो भैया, फिर देखवाती हूँ क्या है आगे का। नहीं अभी का करवा दो ना मैडम, मैं तो सेवा से आपको उस दिन बोल के आया हूँ, अभी का जो है उसको करवा दो, फिर अभी का और पिछला और अभी का कमीशन मिलाकर मैं दे दूंगा करके। और कैसे भरोसा करें फिर बताओ तो, अभी तक की किए नहीं हो। दिवाली कितना दिन हो गया बताओ, उस टाइम में भी आपके पास अमाउंट नहीं था तो अभी तक तो कर देते, कैसे भरोसा करेंगे आपके ऊपर। कैसे नहीं करोगे, मैं तो भेजा था कि नहीं भेजा था वाले तो बात ही नहीं था, आपको जो भेजा था उसको तो कम से कम रखना था ना। सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है आप 2 लाख भेजे थे, कितना बना था आप बता सकते हैं। 2.5-3 लाख रुपए करीब देना था मेरे हिसाब से, आपके मिस्टर जी ज्यादा हिसाब बनाए थे। हाँ ज्यादा था, बताया था कि जिसने भवन वगैरह है। सुनो, चलो एक साथ दे देना करके, मान लो वापिस भी किए तो आपको ईमान परीक्षा 15 दिन में दे देना था। अरे तो ठीक है ना मैडम, मैं तो बोला था मेरा बाकी पेमेंट भी तो निकालो आप, अनावश्यक खाली कमीशन के चक्कर में मेरा पेमेंट को थोड़ी रोक के रखे रहोगे मैडम। कमीशन वाला बात नहीं है भैया, ये अधिकार वाला बात है कमीशन। नहीं तो अधिकार वाला कहा मैडम, कमीशन ही की तो बात है और क्या है। मना नहीं किया, पहले भी मना नहीं किया, आज भी मना नहीं कर रहा हूँ मैं। सबको उम्मीद रहता है, इसमें मैं सिर्फ अपने लिए बात नहीं कर रही हूँ, कितने लोग जुड़े हैं मेरे से, सबको कई उम्मीद रहता है। नहीं ठीक है, मैं अभी तो जान रहा हूँ इसलिए तो भेजा था। आज जो स्थिति मैं हूँ, पहले आप भी थे मेरे समय में तो लोग देते नहीं थे मैडम, स्थिति तो बहुत मेरे समय तो बहुत प्रतिकूल था। और वैसा नहीं था भैया, सब स्थिति एक समान रहता है। नहीं रहता मैडम जी, आप लोग समझते नहीं हो तो मैं कैसे समझाऊँ आपको। पूछना ना कौन ला के देते थे, पूछो उन्हीं लोगों से जो काम किए उनको। इसको आप क्लियर कर दो भैया, और नहीं नहीं भी देना है तो वो भी बता दो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। अपन वैसा क्यों बोलेंगे मैडम, अपने को देना है तो फिर तो देना है तो छुड़वा दो ना भैया आजकल। नहीं उसको भी करवा दो मैडम, मेरा जो पेमेंट वगैरह बचा है करवा दो ना। तो कर दो, मैं करवाती हूँ। फिर कौन से बोलूंगी सीएमओ में इंजीनियर को, इसको करो करके बताओ तो। नहीं नहीं मैं तो सीएमओ से आपको बोल दिया हूँ मैं साहब, आप भरोसा रखो किसी का पैसा हम रोकेंगे नहीं करके हमारा, क्योंकि हमने बोला अभी के नगर पंचायत में हम काम करने की इच्छुक भी नहीं है। मैं ना पहले आपको बहुत स्टाफ वाले भी बोलते होंगे कि आपके बारे में कभी वो मैडम गलत नहीं बोली करके, लेकिन ना अब वो लोग करेंगे मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब नहीं है तो मैं कैसे करूँ मैडम। आप पहले इसको करवा दो, यदि करवा रहे हो तो 1-2 दिन में, और नहीं करना है तो बता दो। नहीं नहीं करेंगे आप, लेकिन 1-2 दिन में मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ तो कितना समय लगेगा। नहीं ये मेरा फाइल को आगे बढ़वाओ ना मैडम, मैं इसलिए बोल रहा हूँ मैडम मेरा जो पेमेंट है वो निकलवा दो, क्योंकि मेरे को यहाँ के नगर पंचायत में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ बहुत तकलीफ से पेमेंट निकलता है, अनावश्यक रूप से अपन किसी से उलझना चाहते नहीं है,
इसलिए उससे अच्छा है कि अपन काम ही नहीं करें, वही ज्यादा बेहतर है। क्यों काम नहीं करोगे हमारे नगर अपने पैसे का काम करके बेवकूफ टाइप के भटकते रहा वाला बात है और कुछ नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है मैडम, आज 18 में से मैंने हमारा रॉयल्टी क्लियरेंस का पैसा पकड़ के बैठे, पैसा नहीं निकल रहा। 4 दिन में जो पैसा निकलता है, जब बोलोगे बस अब बन रहा है, अब बन रहा है, अब बन रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। जब आप कमीशन लेने के हकदार हो तो मैडम समय में काम भी करवाओ ना। इसको कर दो भैया, फिर करवाती हूँ मैं, कितना बार बोलूंगी आपको। चलो देखते हैं मैडम, जैसा होगा भेजते हैं। हाँ चलो ठीक।